गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के बजने वाले हैं 5। रात में 4:30 बजे उठ गया था कि 4:30 बजे दोस्त को एक आया था, उसको जाना था यहाँ पे पास में रोडवेज में, उसको छोड़ने गया था, छोड़ के आया हूँ। तो अभी जो है पहले फ्रेश हो लेता हूँ। फ्रेश होकर के आया तो मैं एडिटिंग करने के लिए जैसे देखा मोबाइल में जो है बड़ी बैटरी नहीं थी बिल्कुल भी, तो बैटरी में अभी मोबाइल चार्जिंग में लगा रखा है। जैसे बैटरी थोड़ी हो जाती है उसके बाद मैं एडिटिंग कंप्लीट करेंगे कल रात वाली, फिर 5:30 बजे करीबन निकलते हैं फिर दूध लेने के लिए। पता करते हैं कि दूध की गाड़ी आई कि नहीं। चलो पहले एडिटिंग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर चार्जिंग में लगे लगे हो सकता है थोड़ी बहुत हो जाएगी। तो गाइस ट्रैफिक घूम के आ चुका है, अब वो भी थक गया है, मैं भी थक गया हूँ। वो देखिए वो बैठा हुआ है। तो फिलहाल जो है मैं भी जा रहा हूँ, थोड़ा दूध लेने के लिए कुछ फ़ोन किया था तो उसकी गाड़ी आएगी 7 बजे। तो मुझे जाना, पहले नहाने जाता हूँ, नहा करके दुकान जाना 6:30 बजे। 6 बज चुका क्योंकि मैं लेट हो जाऊँगा फालतू को। फिलहाल चलते नहाने, नहा के पहुँचते दुकान। खाना दोनों मेरा हो गया है, मैं जल्दी से दुकान जा रहा हूँ। दुकान ऑलरेडी लेट हो गया, 15 मिनट में लेट हो गया, 6:45 बज गया है। तो फिलहाल जल्दी से निकलते दुकान खोलते। दुकान में जो है साफ सफाई भी करनी है पहले, जल्दी से चलते दुकान। ये देखो ये बैठा है टफी, ये है रंगोली, ये ब्राउनी, ये देखो। नहीं टफी बैठो वहीं पे। तो गाइस मैं आप जा गया हूँ दुकान, अब फिलहाल दुकान के करते हैं साफ सफाई। ज़्यादा सब कुछ फैला तो नहीं है, सामानों में सही है, फिर फट धूल साफ करनी दुकान की और झाड़ू लगानी है, बस इतना काम है। जब तक 7 बज जाएगा तो फिर मुझे दूध लेने भी जाना है। रोहित जग जाएगा, मम्मी जगा देंगे रोहित को, तो फिर जाऊँगा मैं दूध लेने। मैं निकल रहा हूँ दूध लेने के लिए, अभी मम्मी आ गई है, मैं जा रहा हूँ दूध लेके आता हूँ। फिलहाल मैं दूध वगैरह भी लेके आ चुका हूँ, और फिलहाल जो है मैं जल्दी दुकान में धूपबत्ती वगैरह कर दूँ, आरती पूजा कर दिया जाए, तो बैठेंगे दुकान में। मम्मी चली गई है घर, तो हम जो है जल्दी से आरती पूजा करते हैं। आरती पूजा भी हो गई है, दुकान में बैठे आराम से। दुकान में आ गई हैं, अब मैं फिलहाल जा रहा हूँ खाना खाऊंगा, और मुझे मार्केट भी जाना है क्योंकि अब मम्मी भी फिलहाल बैठेंगी थोड़ी देर, और 1 बजे तक थोड़ा सा दुकान बढ़ा दूंगा, मम्मी आराम करेंगी, मम्मी तबीयत ज़्यादा सही है नहीं है। 1 बजे मम्मी चली जाएंगी घर, मैं भी निकल जाऊँगा मार्केट, दुकान बढ़ा के मार्केट करके आके फिर दुकान खोल के बैठूँगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ खाना खाने, तो जब तक मम्मी बैठी हुई है मैं भी चल रहा हूँ खाना खाने, बहुत तेज़ भूख लगी है। मैं घर आया था खाना खाने के लिए, तो घर में देख रहा हूँ कि मम्मी ने आज लौकी की सब्ज़ी बनाई है। लौकी मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। अब देखो कुछ और अपने लिए खाने के लिए व्यवस्था करता हूँ, क्या खाया जाए। मम्मी बता दही रखा है, मैं सोचा दही और प्याज नमक मिर्च मिला के फिर खाते हैं, बढ़िया स्वाद बना के। दही हाँ ये रखा है, तो जब मम्मी से फ़ोन करके पूछता हूँ दही कहाँ रखूँ। काम सारा मेरा हो चुका है किचन का पूरा, ये थोड़े से बर्तन बचे हैं
इसके लिए मुझे पर समय नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जब मार्केट निकलना है। और फिर आज नहीं, बाकी मुझे मैं खाना आना सब कुछ रेडी हो गया है, खाना दिया, किचन विचन सब साफ़ कर दिया है। तो फिलहाल मैं निकलता हूँ मार्केट के लिए, पहले मम्मी को भेजता हूँ घर, मम्मी आ जाएंगे घर, मैं निकलूँगा दुकान बढ़ा के, मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। मम्मी की तबीयत सही है नहीं, इसलिए दुकान में बैठना मम्मी के ठीक नहीं, ज़्यादा देर जल्दी से निकलता हूँ दुकान। गाइस मैं अब आ गया हूँ दुकान, मार्केट का सामान पूरा ला चुका हूँ, मेरा सामान सेट कर दिया है, पूरी परचेजिंग हो गई है, सब माल मैंने लगा दिया है पीछे, बाकी कुछ कार्टन वगैरह भी लाने थे साबुन वगैरह के, तो वो भी ले आए हैं। तो बस अगर दुहेज लगा के माल, अब बैठता हूँ दुकान में, मम्मी चली गई फिलहाल, पड़ोस में गई हैं काम से, तो बस हम वहाँ गई हैं, वहाँ से जगह जाएंगे तो हम गई आराम करने। 3 बज गया फिलहाल दोपहर में, तो फिलहाल मैं बैठा हूँ दुकान में। तो गाइस मैं घर आया था खाना खाने के लिए, खाना भी मैंने खा लिया है, हालांकि घर में लौकी की सब्ज़ी बनी थी, तो मैंने लौकी की सब्ज़ी तो नहीं खाई है, मैंने नमक मिर्च और घी के साथ रोटी चुपड़ के और थोड़े से रायते के साथ में तो मैंने खा लिया है। ये लौकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जिस दिन भी लौकी घर में बन जाती उस दिन मैं घर में खाना नहीं खाता, क्योंकि बहुत अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी उसका, चाहे जैसे मम्मी कहती है अच्छी बनी है, रोहित भी कहता है कि अच्छी बनी है, दीदी सब दिन सबको कहता अच्छी बनी है, लेकिन मुझे उसकी जहाँ उसको देख लेता हूँ तो मुझे मेरी भूख खत्म हो जाती है। तो फिर इसीलिए मैंने कहा मगर मैं अलग अपना खाना, सुबह मैंने खाया था दही के साथ में, खा लिया था दुकान से दही ले आया था, दही लेके आया, दही के साथ में दही में डाला भाई नमक मिर्ची प्याज वगैरह डाल कर मैंने खा लिया रोटी के साथ में। और अभी अभी मैंने वही लस्सी लेके आया था, एक लस्सी ले आया, लस्सी के साथ में जो लस्सी के मैं अलग नमक मिर्ची का मसाला डाला, अलग से लस्सी तैयार की, लस्सी के बाद फिर मैंने बढ़िया से रोटी नमक मिर्ची घी चुपड़ के बढ़िया फर्स्ट क्लास मैंने खा लिया। उसके आगे मेरा समझ लो शाही पनीर फेल है, इतनी अच्छी लगती है मुझे ये नमक मिर्ची रोटी वगैरह, लेकिन बस इसी तरह खा लेता हूँ मैं। और फिलहाल तो मैंने घर का भी काम निपटा दिया, जितने बर्तन थे वो भी धो दिए, पूजा वूजा भी मैंने कर दी है शाम की, सुबह की पूजा मम्मी कर देती है, शाम की पूजा मैं कर देता हूँ, शाम को मम्मी बैठी दुकान में, मम्मी की तबीयत अभी ज़्यादा सही है नहीं है, दुकान में ही दुकान में बैठे रहना होता है, जो कस्टमर आ गया सामान दे दिया बस आराम से बैठो, ये रहता है मम्मी का। बाकी जो है अब मैं फिलहाल पहुँच रहा हूँ दुकान, हाँ तो मम्मी आ जाएंगी घर, अभी मामा भी आने वाले, मामा के साथ मुझे कहीं जाना है तो मैं निकलता हूँ फिलहाल दुकान के लिए। मैं ताला ढूंढ रहा हूँ, ताला नहीं मिल रहा है ताला, एक मिनट में लाइट जला लूँ। तो गाइस अब टाइम हो गया है 9:30, तो फिलहाल मैं दुकान बढ़ा के अब जा रहा हूँ घर, ये नींद भी आ रही है, जा करके थोड़ी अभी एडिटिंग भी बाकी है आज की, तो एडिटिंग भी करेंगे, एडिटिंग करके फिर निकलता हूँ, थोड़ा सा घर का सामान है वो भी लेता जाऊँगा, एडिटिंग करके फिर जो है खाना खा के सो जाऊँगा, आज थोड़ा जल्दी सो जाऊँगा, सुबह बहुत जल्दी उठ गया था, सुबह कल 4 बजे नींद खुल गई थी, 4:30 बजे दोस्त को जो लेके गया था उसको भी छोड़ के आया था, मेरी पहले से ही नींद कच्ची हो गई थी, बस अब ये कि अब नींद आ रही है, दोपहर में भी मैं सोता तो हूँ नहीं, दोपहर में पूरे दिन दुकान में बैठना होता है, काम 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 लगा रहता है। तो फिलहाल चलते हैं घर, ये थक गए हैं आज, चेहरे में 12 बजे, अभी मामा गए थे, मामा के साथ गया था, अभी उनका जो है घर बन रहा है, तो उनका गृह प्रवेश है मौसी का, तो मामा आए थे लेवाने के लिए, तो उनके साथ गया था। तो फिलहाल चलते हैं घर, दुकान से भाड़ा देते हैं। तो गाइस मैं अब घर आ चुका हूँ, खाना सब कुछ हो चुका है, सब जने सोने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बिस्तर सबके लग चुके हैं, तो फिलहाल मैं भी इस व्लॉग को एंड करता हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। अभी आए थे किचन में, तो किचन में देखा कि तोड़ समोसे रखे हैं, दीदी अभी मार्केट से आ गई थी तो समोसे ले आई थी, मुझे पता नहीं था अभी दिख गए, तो मगर माइक्रोवेव में मैंने गर्म करके गर्म कर लिए हैं, तो फिलहाल मैं खा लेता हूँ इनको, पेट भरा है लेकिन थोड़े बहुत एडजस्ट हो जाएगा, है कि नहीं।